जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन तो लास्ट मड्यूल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन के थ्रू बेनिफिट uh, मिलता है ओवरऑल वेलफेयर गेन होता है ड्यू टू द ट्रेड जहाँ पे एक नेशन कस्टम यूनियन के अंदर uh, उस नेशन को कस्टम यूनियन के अंदर ट्रेड करती है या उसके साथ ट्रेड करती है जो थोड़ा सा रेलिटिवली एफिशेंट है फ्राम द अदर नेशन और वहाँ पे हमने नेशन टू और की ट्रेड की बात की थी विद नेशन वन जहाँ पे प्राइस वन थी और नेशन थ्री जहाँ पे प्राइस वन पॉइंट फाइव थी और अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन हुआ था ट्रेड का कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन भी हुई वो नेशन वन के साथ हुई थी तो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन थी नेशन वन बेहतर तरीके से कर रही थी तो हमने उस वक्त ट्रेड क्रिएशन उसको कहा ट्रेड uh, डाइवर्जन की जब हम बात की uh, उस केस के अंदर ट्रेड uh, डाइवर्जन के अंदर ये होगा कि जब आपके पास कोई एक कस्टम यूनियन का मेंबर उस कंट्री से ट्रेड करे जो कस्टम यूनियन का मेंबर है लेकिन लेस एफिशिएंट हुए अब प्रीवियस केस के अंदर क्रिएशन के अंदर uh, हम लोगों ने यह बात की थी कि दूसरा मेंबर जो कस्टम यूनियन में था वो एफिशिएंट था बट इट्स इस केस के अंदर हम कस्टम यूनियन के मेंबर के साथ ट्रेड तो कर रहे हैं दैट इज़ लेस एफिशिएंट तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह भी देख सकते हैं कि व्हेन लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द कस्टम यूनियन आर रिप्लेस बाय द हायर कॉस्ट इम्पोर्ट फ्राम अ यूनियन मेम्बर ड्यू टू प्रफेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि हम आ, एज अ कस्टम यूनियन जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंसेस यही होती हैं कि आप जो कस्टम यूनियन के मेंबर्स हैं उनके साथ ही ट्रेड करें तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सपोज़ uh, फ़ायदा तो होगा थोड़ी सी क्रिएशन तो होगी वो हम आगे मड्यूल्स uh, के अंदर डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम कि किस तरीके से ट्रेड क्रिएशन थोड़ी सी हो रही है लेकिन अल्टीमेटली अगर एज अ देखें इंटरनेशनल लेवल पर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हैं ये बेसिकली मोर प्रोडक्टिव से लेस प्रोडक्टिव की तरफ आए हैं हम लोग ये कह रहे हैं सपोज़ कि आपके पास जो नेशन uh, टू है उस कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और अगर हम कस्टम यूनियन के अलावा बात करें तो अगर 100 परसेंट एडवलरम टैरफ लगता है तो प्रीवियस मॉड्यूल uh, की एग्जाम्पल के केस में जब हमने ये जूम किया था नेशन वन के अंदर प्राइस वन है और नेशन थ्री के अंदर प्राइस वन पॉइंट फाइव है अगर हंड्रेड परसेंट एडवल टैरिफ लगता है तो बेनिफिशियल क्या है ट्रेड की जाए नेशन वन के साथ क्योंकि फिर भी प्राइस टू होगी लेकिन नेशन थ्री के अंदर प्राइस आपके पास थ्री बन जाएगी लेकिन इस केस के अंदर ट्रेड डाइवर्जन केस के अंदर आपने क्या किया आपने नेशन वन के साथ ट्रेड नहीं किया आपने नेशन थ्री के साथ ट्रेड किया जहाँ पे प्राइस 1.5 थी और आपने उसके टैरिफ को एलिमिनेट uh, किया आल दो आपके पास स्टिल यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट ड्यू टू द कस्टम यूनियन आपके पास डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है थ्री डॉलर तो लेकिन फिर भी आपको हाफ में मिल रहा है लेकिन यू यू कुड गेट मोर आउट ऑफ इट तो इस केस के अंदर ओवरऑल अगर आप बात करें वर्ल्ड लेवल पे सब कंट्रीज की बात करें तो रिसोर्स जो हैं वो बेस्ट एलुकेशन की तरफ से या मोर एफिशिएंट एलुकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो पाई और जहाँ पे रिसोर्स का बेस्ट यूज़ हो सकता था ड्यू टू द कंपैरेटिव एडवांटेज आप नहीं कर पाए ड्यू टू द कस्टम यूनियंस ड्यू टू द प्रोफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स यू आर कंपेल्ड टू बाय फ्रॉम द अदर मेम्बर ऑफ कस्टम यूनियन सो इन दैट केस देर वुड बी ऑबियसली लॉस ऑफ रिसोर्स एट इंटरनेशनल लेवल वंस अगेन ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन टी डी सी यू कैन इंक्रीज और रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द यूनियन मेम्बर्स डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिज अपोजिंग अपोजिंग फोर्स अब जो ट्रेड क्रिएट ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन है इस केस के अंदर फायदा इस केस के अंदर हो सकता है मैंबर को वेलफेयर इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है वी विल सी दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेकिन ये डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा कि वेलफेयर गेन क्या हो रहा है और वेलफेयर लॉस कितना हो रहा है तो अगर गेन ज़्यादा हो रहा होगा ड्यू टू द ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन तो ओवरऑल फ़ायदा होगा और अगर लॉस ज़्यादा होगा तो ओवरऑल लॉस होगा